हार जाए तभी यूज कर। बहुत सुंदर है। हेडेक हो रहा है बहुत तेज। सोने का चूंकि बस कपड़े इतने सारे हैं कि 2 बज गए होंगे। फटाफट दिखा देती हूँ अलग, एक सेकंड। तो आज मैं बनी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी व्लॉग जो है स्टार्ट हो गया सुबह के 9 बजे, क्योंकि चीकू जा चुका है स्कूल। चीकू को स्कूल छोड़ने के लिए ना आज हम लोग नहीं गए, हम दोनों में से कोई नहीं गया, क्योंकि आज ना चीकू की अलमारी में सुबह सुबह ठीक करने लगी थी, बहुत ज्यादा फैली हुई अलमारी थी। और यहाँ पे ना बहुत सारे जो कपड़े हैं ये तूबा के, आयान और जैद के ना निकाल के रखे हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े ना अलमारी रखे हुए थे और ये कपड़े सारे बड़े हैं, अभी नहीं आएंगे बच्चों को, तो ये सारे कपड़े जाएंगे बेड में। तो गाइस आज ना मैं और पायल दोनों ना सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हैं, 9 बज गए हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें घर में थी वो सब सेट करनी थी। तो चीकू की अलमारी पूरी तरीके से सेट हो गई, सारे बच्चों के कपड़े जो है वो भी निकल गए, और बच्चों के ना और भी कपड़े बहुत सारे आए हैं, तो वो कपड़े मैंने उस वाले बेड पे रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े फैले हुए, तो ये कपड़े भी ना आयान, जैद, तूबा और साथ में चीकू के हैं। तो ये वाले जितने कपड़े ये चीकू की हैं, ये चीकू के पापा के कपड़े प्रेस वाले जो आए थे, और ये सारे बच्चों के कपड़े हमारे तीनों। तो इस बार ना मैंने बड़े क्यूट क्यूट से कपड़े मंगवाए हैं बच्चों के, बहुत प्यारे प्यारे मंगवाए। एक ना मैंने सिलिकॉन वाली बिब मंगवाई है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सॉलिड पे आने वाले हैं, मतलब अभी 3 मंथ्स के आयान और तूबा हैं और जैद 4 मंथ्स होने वाला है, तो 5th या 6th मंथ तक सॉलिड फूड स्टार्ट करेगा तभी बिब काम आई। और ना एक और चीज मैंने मंगवाई, क्योंकि ना हम बच्चे जब बाहर ट्रैवल करते हैं ना, तो बिब होती है ना जो घर पे यूज करते हैं तो कलर फेड हो जाता है, वो अच्छी नहीं लगती बाहर, तो मैंने बच्चों के लिए ना इस बार ऐसी बिब मंगवाई है कॉटन की, ताकि वो बाहर ना जब बाहर जाए तभी यूज करे, तो ऐसी कुछ बिब है, बहुत सुंदर है। तो गाइस मैंने 5 बिब मंगवाई थी, तो मैंने ना गलती से ना 1 2 3 4 जो 4 बिब है ना पिंक कलर की मंगवा ली गर्ल्स वाली, कोई बात नहीं हमारे जो लड़के है ना वो एडजस्ट कर लेंगे, और एक आई है बॉय वाली। और गर्मियां बहुत ज्यादा है ना, तो बच्चों के लिए शॉर्ट्स मंगवाई है बहुत सारे, तो इस बार ऐसी शॉर्ट्स मंगवाई है। और गाइस ये सारी की सारी ना शॉर्ट्स है, और शॉर्ट्स के साथ ना ये सारी टी शर्ट्स मंगवाई है। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, 1 आधा घंटा ना लेट जाती हूँ, क्योंकि ना मेरे हेडेक हो रहा है बहुत तेज। सुबह 6:30 बजे की उठी हुई हूँ, 9 बज गए हैं, तो बस 1 घंटा सो जाती हूँ, फिर उठ के बाकी काम है वो करती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, 2 बज गए हैं दोपहर के 12, और बस मैं और पायल सोकर उठ गए, काफी अच्छी नींद हमारी पूरी हो गई, और उस टाइम पे ना सही डिसीजन लिया सोने का है। पायल 2-3 घंटे की नींद कैसी हुई? अच्छी हो गई। अब ये है कि एनर्जी है काम करने की। तो गाइस कुछ कपड़े जो हैं बच्चों को भी नहीं आ रहे हैं ना, वो साइड कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं किसी जरूरतमंद के लिए, और जो कपड़े उनको आएंगे वो अलग कर रहे हैं। और गाइस सारे जो कपड़े हैं ना बच्चों ने ना शायद मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहने होंगे, बट हम चाहते थे कि बच्चे ज्यादा कपड़े पहने, बट बच्चों के पास कपड़े इतने सारे हैं कि कपड़ों की पार टर्न ही नहीं आई। तो गाइस गोलू ने आज सुबह सुबह पूरा घर इतना ज्यादा फैला दिया है ना, मैंने तो जो फैलाया था वो मैंने पूरा लगा दिया है। चीकू की अलमारी मैंने फैलाई थी, और ये चीकू की पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी है। अब जो है जो गोलू ने फैलाया है सारा वो सेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये सारे जो कपड़े हैं ना, अभी बच्चों को बड़े कपड़े हैं, तो ये सारे जाएंगे अभी बेड में। तो मैं एक काम करती हूँ, सारे कपड़े उठाती हूँ एक साइड करके, और उसको सबको बेड में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जब मेरे हिसाब से 6-6 महीने या 7-7 महीने के 8-8 महीने के हो जाएंगे तब ये कपड़े आएंगे। तो ये वाले बिब जो है ना, ये प्लास्टिक वाले बिब मंगवाए हमने, इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि बच्चे ना अब जो है थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड पे आएंगे, सॉलिड फूड खिलाने के जैसे सेरेलैक हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो और दही मैश करके दे दो उन्हें उसमें दही में, वो सब खाने के लिए, मतलब 5 महीने के जैसे होंगे ना कम्प्लीट। जैद जो है वो 6 तारीख को 5वें महीने में लग जाएगा, तो जैसे 15 दिन ऊपर आएंगे ना, 4 महीने 15 दिन होगा, तो हम उसे जो है सॉलिड फूड मतलब थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए मंगाया था। तो गाइस जब से हम लोग उठे हैं ना 12 बजे के करीब उठ गए थे मैं और पायल, तब से ना अभी तक हम घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। पायल कितना टाइम हो रहा है? 2 बज गए होंगे। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है 2 घंटे तो हो गए हैं, 3 बजने वाले हैं, पता ही नहीं चला 3 बज गए। बस हम लोग ना घर की सेटिंग में कर रहे हैं, क्योंकि आज के सारी अलमारियां सेट करी है, चीकू की भी हो गई, बच्चों की हो गई, मेरी पायल की तो मैंने उसी दिन कर ली थी। अलमारियों के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें और भी जाती है, जैसे ड्रॉर फैले हुए थे, इधर उधर का सामान फैला हुआ था, ऊपर कितना फालतू का सामान रखा था वो सब हटाया। तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना आज, पता नहीं मौसम ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अपने लिए नारियल पानी खुलवाया है, तो बस नारियल पानी पी रही हूँ। तो गाइस अभी ना मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए, पर जिम जाने से पहले ना मैंने सोचा एक पार्सल दिखा देती हूँ आपको। ये जो पार्सल है ना ये हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने भेजा है, लखनीत ने, मतलब लखन भैया और नीतू ने बहुत ही प्यारा पार्सल भेजा है बच्चों के लिए। तो मैंने पार्सल को कर दिया ओपन, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने चीकू के कपड़े देखे है, तो नीतू ने चीकू के लिए भी स्पेशली कपड़े भेजे, क्योंकि बच्चों के लिए भेज रही थी तो चीकू के लिए ना भेजे ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वाले कपड़े हैं चीकू के लिए, और तूबा के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक्स दी है। तो मैं काम करती हूँ गाइस आपको फटाफट दिखा देती हूँ। और ना ये चीज ना नीतू ने बहुत ही अच्छी करी है कि ना सारे कपड़े बड़े दिए हैं, क्योंकि क्या बच्चों ना बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या बाद में उनके काम आएंगे। तो गाइस बहुत ही प्यारा क्यूट सा रॉम्पर है, और ये जो 2 सेट है ना ये बॉयज के हैं, तो अयान और जैद को मैं दो
दोनों को सेम कपड़े पहनाऊंगी और ये कपड़े ना बहुत ही अच्छे हैं, वार्म कपड़े हैं, ये कपड़े काम आएंगे उनके सर्दियों के लिए। और मुझे लग रहा है ये वाला जो सेट है दोनों को अभी पहना देना चाहिए, तो मैं इसको अलग ताकि मैं बच्चों को जल्दी से जल्दी पहना दूं। तो बहुत सारे क्यूट क्यूट से कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े, ये फ्रॉक भी बहुत अच्छी है। तो गाइस बहुत सारे कपड़े काम करती हूं, ऐसे करके दिखाती हूं आपको, एक सेकंड। और नीतू ने तीनों बच्चों को ना सेम भी दिए हैं, तो ये है इनके सेम सेट। और इनके पास ना ऐसे वाले सेट पहले भी थे बट वो सारे छोटे हो गए थे, तो अभी नए सेट हमने लिए नहीं थे, बट ये नए सेट आ गए इनके पास। और क्यूट सी एक प्रिंसेस वाली फ्रॉक है, एक छोटा सा पर्स भी आया था तूबा के लिए। तो गाइस ये है कपड़े, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा पार्सल। पायल ये वाले जो सेट है ना, मैं सोचू कल अयान और जैद को पहना दे, दोनों को छोटे और तूबा को ये दोनों। ये अयान को नहीं आएगा ना, जैद को आएगा, ये सिर्फ तूबा को आएगा। नहीं आएंगी ना सिर्फ तूबा, तो एक काम करती हूँ तूबा के लिए निकाल देती। और एक काम करते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको फ्रेश रख देते। ठीक है रख देते, मेरे को लगा जो कपड़े छोटे वो निकाल देती हूँ, ये जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे तो काम आ जाए। ठीक है, ये भी तूबा को आ जाएगी अभी, ये तो सेंडो है, गोवा जाएगी तो पहन लेगी। नहीं रख दे अभी ये सामान। ठीक है, और ये देखी थी पहले बाबी नीतू की चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी चॉइस। तो बहुत ही प्यारे गिफ्ट भेजे हैं नीतू मासी ने अपने बच्चों के लिए। तो गाइज आप सब भी बताना कि आपको नीतू की जो है चॉइस कैसी लगी। तो गाइज हमारी जो झाड़ू पोछे वाली थी वो जा चुकी है गांव, तो आज मैं बनी हूँ यहाँ पे झाड़ू पोछे वाली। तो झाड़ू पोछे का काम मैं कर रही हूँ, बाकी काम शांति संभाल रही है क्योंकि वो खाना बनाती है, तो उससे झाड़ू पोछा कराना अच्छी बात नहीं है। तो गाइज शाम के बज गए हैं 7:45 और मैं जिम से काफी देर पहले आ गई थी, बट मैंने अभी चेंज नहीं किया क्योंकि ना इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे को जाना है शाम को ऊपर कार्डियो करने के लिए जाना है। मैंने और अरमान जी ने आज वर्कआउट किया था, शोल्डर वर्कआउट किया था, तो हम दूसरे जिम में इसलिए गए थे क्योंकि देखो अपना जिम तो है बट थोड़ा सा ना हो जाता है कि इंसान का ना मूड चेंज हो जाता है, वेदर भी चेंज हो जाता है कि बाहर वाले जिम में जाओ। तो हमारा शोल्डर का वर्कआउट काफी अच्छा रहा। फिर वर्कआउट के बाद आज मैंने डाइट भी ली, साथ में ब्राउन राइस विद वेजिटेबल्स, और अब बस प्रोटीन पी है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ एक घंटे का, फिर मैं जाऊंगी ऊपर कार्डियो करने। और जब मैं घर पर आई ना, ऐसे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, 3-4 दिन से ना पायल मुझे बोल रहे कि गोलू मेरे ना बैक में पेन हो रहा है। तो मैंने इसे पूछा कि तेरी बैक में कहाँ पेन हो रहा है, कह रही जहाँ पर ना मुझे सी सेक्शन पे जब आपको स्पाइन में जो इंजेक्शन लगता है ना उस साइड पे, क्योंकि इस साइड नीचे की तरफ लगता है, तो वहाँ पे पायल को पेन हो रहा है। तो 2-3 दिन तो हो रहा था पेन, पायल ने जैसे पेन किलर ले ली बट आराम नहीं मिला। कल रात को भी ये जागी थी, उससे एक दिन पहले भी ये रात को जागी थी, मतलब लगा लो 3-4 बजे इसका इतना ज्यादा बैक में पेन होता है कि पेन किलर भी ना से भी फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अभी ना मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को घर पर बुलाया जस्ट अब, और देखती हूँ फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं क्या बोलते हैं इसके बैक के पेन के बारे में। तो यहाँ पे ना मैंने जैद को ना सुला दिया, तो तीनों बच्चे उठ गए थे, तीनों बच्चे साथ में सो भी गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है गाइस तीनों बच्चे साथ उठ जाते हैं और साथ में ना इतना शोर मचाते हैं फिर साथ ही सोते हैं। तो बस अभी क्या है, तूबा भी सो गई, अयान भी सो गया और जैद भी सो गया, दोनों भाई आराम से सो रहे हैं, ये नहीं सो रहा, ये उठ गया, निकल लो। तो गाइज ये पैसिफायर ना बड़ा काम आता है बच्चों को सुलाने में। तो गाइज ये जो पैसिफायर है ना बच्चों के सोते टाइम ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पूरा दिन हमारे बच्चे पैसिफायर नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे पता है पैसिफायर से ना एक बच्चों को एक गंदी आदत पड़ जाती है, तो बट ना सोते टाइम ना बच्चों को होता है कि हाँ पैसिफायर चाहिए 10-15 मिनट फिर ये सोते हैं। तो जो तूबा है ना हमारी, वो कभी कभी पैसिफायर लेती है, बट अयान और जैद है उनको पैसिफायर ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो सोते टाइम पैसिफायर ले लेते हैं। फिर 10 मिनट बाद मैं जाती हूँ, देखती इनकी नींद गहरी हो गई, जैसे गहरी होती है ना मैं हल्के से पैसिफायर उठा लेती हूँ। तो गाइस बस पैसिफायर देखो मैंने आपको डेमो दे दिया कि पैसिफायर को मैं कैसे निकालती हूँ। पैसिफायर को मैं ना वार्म वाटर में बॉईल करके, इसको पैसिफायर का एक बॉक्स होता है उसमें रखकर फ्रिज में रख देती हूँ, और ये ना हमेशा सही रहता है, जितनी बार बच्चा पैसिफायर लेना उतनी बार ना उसको गर्म पानी में बॉईल कर लो। पायल फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं, ठीक है, अब बैक पेन हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी नहीं हो रही, चल कोई बात नहीं, वो देख तो लेंगे कि क्या रीजन है। उठ रही है ना 3 दिन से, तो मैं दिखा लेती हूं। तो गाइस मेरे ना बैक में 3 दिन से पेन है, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था आपको, तो वो एक सिविर पेन है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि सो भी नहीं पाती, उठ भी नहीं, लेट तो बिल्कुल नहीं पाती, बैठ पाती हूँ बस, लेकिन अभी वो दर्द नहीं है। वो दर्द ना मुझे कभी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा हो रहा है, और मेरे यहाँ पे कंधों में दर्द है। तो डॉक्टर अभी फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, उन्होंने ये बोला है कि आपका भी सिजेरियन हो, एक तो आप एसी मत चलाओ, बिना एसी के रहो, दूसरा ये पेन होता है और ये आता जाता है, इसके लिए ना आपका 30 दिन का ट्रीटमेंट होगा, 30 दिन तक मशीन से वो कुछ करेंगे, उसके बाद जो है ये ट्रीटमेंट मतलब ये जो दर्द है आपका जाएगा। करे अगर आप नहीं करते हो ना तो ये पेन आपका बुढ़ापे तक रहता है। तो अब देखो कल भी आएंगे वो। तो गाइस रात के बज गए हैं 11:30 और बस मैं अभी अभी जिम से आई हूँ ना। आज ना जिम में मैंने इतना कार्डियो करा ना कि फुल स्वेटिंग है, स्वेटिंग से क्या हुआ था, मैं कार्डियो कर रही थी, मैंने ऐसे करा और मस्कारा फैल गया। तो बस अभी ना अभी जस्ट मैंने अपना प्रोटीन लिया, तो बस अभी शावर लेने के लिए जा रही हूँ और फिर मैं शावर लेके मिलती हूँ आपसे। तो सारे बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के, इसको नीनी नहीं आती है, आप छोटे बाबू को नीनी को नहीं आती है। तो फाइनली गाइस भाई जिम के बाद मैंने शावर ले लिया और बहुत अच्छा लग रहा है शावर लेके। आज मैंने फुल वर्कआउट करा,
फुल, मतलब सुबह भी जिम, शाम को कार्डियो, बहुत मेहनत करी है। बस एक अच्छी सी डाइट ले लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आराम से सोऊंगी। तो गाइस आज का जो मेरा दिन था ना, इतना ज्यादा टायरिंग था, इतनी थकावट हो रही है ना। तो अभी बज गए हैं 12:15, बस ऐसा हो रहा है कि सो जाऊं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ रही होती है पर आपको नींद नहीं आती क्योंकि आप फोन में लग जाती हो। तो मेरे साथ ना अक्सर ऐसा ही होता है, मैं फोन देखती रहती हूँ, एक घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता। बट आज ना मैं अपना फोन साइड पे रख दूंगी और आराम से सोऊंगी, क्योंकि देखो जिम करने के बाद ना रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट और डाइट, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट सही से नहीं लोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि मैं जिम कर रही हूँ पतले होने के लिए। और ऐसा ना होना कि मैं जिम करते ज्यादा खाऊं तो वेट गेन हो जाए। और गाइस आपको पता है 9 महीने की जो प्रेगनेंसी थी ना, इसके अंदर ना बिल्कुल भी ना मैंने अपना क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं किया। जैसे जो जो मन करता था सब कुछ खाया था। और ये चीज अच्छी भी होती है, बट इस चीज का एक नुकसान ये होता है कि ना जब आप बाद में ना डाइटिंग करने की कोशिश करते हो ना तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे अब मेरा ना मन करता है आलू पराठा खाने का, न्यूटेला खाने का, ओरियो बिस्किट खाने का, क्योंकि मैंने ये प्रेगनेंसी के ना बहुत ज्यादा खाए हैं। तो इन चीजों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी मेरे 4 पैकेट ओरियो पड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले पायलना MG स्टोर पे गई थी, तो वहां से मैंने अपने लिए ओरियो, किटकैट दोनों चीजें मंगवाई। मैंने कहा चलो यार वो मैं खाऊंगी, बट अभी मैंने ऐसी एज इट इज पैकेट रखा हुआ है, कंट्रोल कर रही हूँ कि ना खाऊं। तो ये ना शाम से ना सामान एज इट इज पड़ा हुआ है, इस सामान को ट्रांसफर करने का भी टाइम नहीं मिला। अब सोच रही हूँ काम करती हूँ, ट्रांसफर कर ही देती हूँ, क्योंकि ना ये पंखे के अंदर ना सिल जाएंगी। ट्राई करती हूँ सिले कि नहीं। हल्के हल्के से हवा लग के ना सिल गए हैं। और ना पता है आज मैं कार्डियो करी थी, मैंने पूरा ना मतलब कि 30 मिनट्स कार्डियो करा, ट्रेडमिल पे वॉक करा 5 की स्पीड पे। कभी इंक्लाइन करी थी तो कभी नॉर्मल स्पीड करी थी, तो उसकी वजह से ना मेरे शूज मैंने वेयर किए हुए थे। तो चली जा रही थी ना तो बहुत तेज ना पैर पे ना लग गया। कभी कभी होता है ना कि ज्यादा शूज पहनने से पैर पे हल्का सा घाव बन जाता है, तो वो बन गया मेरे। तो थोड़ी देर पहले ना जैद सोया है, तो अयान और जो तूबा है दोनों काफी देर से सो रहे हैं। जब से मैं जिम गई हूँ ना तब से सो रहे हैं, मतलब लगा लो 9 बजे सो रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे हो गए बच्चों को सोए हुए, बस उनका उठने का टाइम हो गया। ऐसे होता है अक्सर, दोनों क्योंकि दोनों ट्विंस है ना तो दोनों साथ सोते हैं साथ उठते हैं। तो गाइस ये वाला जो सेक्शन है ना मेरा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे सारे बाल जा रहे हैं। तो मेरे को PRP सेशन लेना पड़ेगा ताकि मेरे बाल जो है ना वापस आ जाए। तो चीकू के पापा मुझे ये बात बोल रहे थे कि तू बालों को ना हमेशा बांध के रखती है, तो पीछे की तरफ मत बांध के रखा कर, थोड़ा ओपन करा कर, ओपन करेगी ना तो थोड़े बाल कम स्ट्रेच होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 और चीकू को मैंने टाइम से सुला दिया था, क्योंकि सुबह चीकू को जाना स्कूल। तो मैं ये सोच रही हूँ अब तो नींद आएगी नहीं मुझे, क्योंकि मैं बीच में उठ गई हूँ। तो मैं जाती हूँ नीचे, 1/2 आवर जो है वॉक करके आती हूँ, क्योंकि जिम तो अभी मैंने कर नहीं सकती हूँ। तो मैं नीचे जाती हूँ, वॉक करके आती हूँ और आने के बाद ना थक जाऊंगी और आके सो जाऊंगी। तो गाइज मैं नीचे जाने वाली थी वॉक करने, लेकिन जो ये कृष्णा है ना ये उठ गया और इसने मेरा नीचे जाना, इसको लगता है सोते सोते पता चल गया था कि मैं नीचे मम्मी नीचे जाने वाली है, तो मम्मी को रोको और मम्मी को पकड़ लो यहीं पे। ये तो इसको देख लो, हमारा जो कृष्णा बंदर की तरह चिपका हुआ है, बंदर की तरह। ये तो मेरी बेटी है, ये मेरी सबसे प्यारी बेटी है, सबसे प्यारी बेटी। ओ लो 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 रोड रोड फुलाते हैं ना बच्चे रोने के लिए, वही कर रहा है। और अब ये रोने लग गया तो अब मैं नीचे जाना मेरा हो गया है कैंसिल। अब इसको चुप करा के इसे सुलाएंगे और फिर जो है हम लोग भी सो जाएंगे। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।